देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज, एक बफर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि दर्शकों आप जानते ही हैं, इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव कितनी बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं और कैसे ट्रॉलर्स के निशाने पर भी बने हैं, हमने अपने कई रिपोर्ट्स में हमारे चैनल के थ्रू आपको बताया है। योग गुरु बाबा रामदेव का डॉक्टरों को लेकर कमेंट करना, एलोपैथी को लेकर बात करना और सवाल पे सवाल खड़े करना, आयुर्वेदिक और एलोपैथी को लेकर अलग अलग टिप्पणियां करना इतना भारी पड़ा कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने भी बाबा रामदेव को खरी खोटी सुनाई और निंदा की, जिसके बाद माफी मांगकर बाबा रामदेव ने व्हाट्सएप वीडियो शेयर की थी। ये बहाना देकर कहा कि वो किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे और एलोपैथी ने जो प्रोग्रेस किया है पूरी दुनिया भर में उससे वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इस चीज को वो नकार नहीं रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक डॉक्टर ने उनकी ट्विटर पर वीडियो को वायरल किया जिसमें वो डॉक्टरों को लेकर कह रहे हैं कि कोविड के वैक्सीन की डोज लेकर डॉक्टर खुद अपनी जिंदगी की परवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसे अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं तो लोगों को बचाएंगे। अब बाबा रामदेव की संपत्ति की हम बात करेंगे, आइए देखते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव की संपत्ति के बारे में हम आपको जो अपडेट देने जा रहे हैं उसके बारे में कई आपको रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे। खैर, बाबा रामदेव की बात हो रही है, उनकी संपत्ति की बात हो रही है और उनके टोटल नेटवर्थ की बात हो रही है, तो चलिए हम आपको बता दें, योग गुरु बाबा रामदेव के पास भारतीय मूल के मुताबिक कहा जाता है कि 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति है। एक रिपोर्ट में बताया गया 190 मिलियन डॉलर की संपत्ति बाबा रामदेव के पास है। अब ये रिपोर्ट सच है या गलत ये तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये कहा जाता है कि जो उनकी इनकम है और साथ साथ में अपने जो उनकी कमाई है योगा के ज़रिए, FMCG बिजनेस के ज़रिए, रॉयल्टीज के ज़रिए, उसके ज़रिए उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठा की है, इतने बड़े रकम के वो मालिक बन चुके हैं, जिनका असली नाम राम किशन यादव है। 55 साल के स्वामी रामदेव बाबा जो आयुर्वेदा और योगा के लिए जाने जाते हैं, जिनका ऑर्गेनाइजेशन जो है योगा कैंपस को लेकर साल 2002 से ही चल रहा है, कई टीवी चैनल्स पर योगा क्लास उनका ब्रॉडकास्ट किया जाता है, वही को फाउंडर है वो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के, जिसके ज़रिए करोड़ों की उनकी कमाई चल रही है। फाउंडर वो पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि योगपीठ, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के भी हैं। योगी होने के साथ साथ एक बड़े बिजनेसमैन भी बन चुके हैं आज की डेट में बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है ऊपर, और अगर आप देख रहे हो तो आपको मालूम चलेगा कि कैसे इतनी बड़ी संपत्ति बाबा रामदेव ने इकट्ठा की है। जी हाँ, बाबा रामदेव की संपत्ति के बारे में हम आप सभी के बीच एक और ख़ास बात बताना चाहेंगे। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि ना सिर्फ उनके पास संपत्ति है बल्कि 25,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जो है फिस्कल की पतंजलि ग्रुप एम कर रही है, उसके बारे में लोग सोच नहीं सकते कि इसे बहुत आगे बढ़ाने की इनकी प्लानिंग भी है। वहीं आपको बता दें कि CEO जो हैं बाबा रामदेव के पतंजलि के, वो देश के 25वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, कई रिपोर्ट्स ऐसे कहते हैं। वहीं पतंजलि ग्रुप जो है एक्वायर करते हैं 400 से ज़्यादा एकड़ लैंड अरावलीज में। जी हाँ, ये तो हमने आपको बताया ही उनकी संपत्ति के बारे में, इनकम सोर्स के बारे में, लेकिन इसकी अलग अलग तरीके से कमाई है। जी हाँ, फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में तो सब जानते हैं कि 2 से 3 करोड़ रुपए फाइनेंशियल एसेट्स पहले बाबा रामदेव के माने गए, लेकिन इसके अलावा बाबा रामदेव ने जो कमाई की है उसकी बात करें तो काफ़ी बड़ी है।
हम आपको इसके बारे में भी ज़रूर बताना चाहेंगे। बाबा रामदेव की इनकम के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ये सब जानते हैं कि बाबा रामदेव का इनकम वैसे तो बहुत ही बड़ा है, और वो भी कैसे है ये आप भी जानते ही हैं। इनकम के बारे में टोटल अगर बात की जाए तो वो बहुत बड़ी है। योग गुरु बाबा रामदेव बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं इंडिया के, जिन्होंने आयुर्वेदा को बहुत आगे तक बढ़ाया है। योगा से राजनीति में आए और एग्रीकल्चर से आयुर्वेद में आए, बिजनेस से टीवी पर्सनालिटी बने, एक ऐसे शख्स बन चुके हैं आज बाबा रामदेव, जिनकी कमाई 1400 करोड़ रुपए बताई जाती है, और वो भी फुल फ्लेज के साथ। जी हाँ, रूरल इंडिया में उनका विजन ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बड़ा है, स्वदेशी गुड्स को लेकर, और तो और आपको बता दें करप्ट फ्री और न्यू इंडिया को लेकर उनका विजन काफ़ी बड़ा शुरुआत से रहा। पतंजलि की बात करें तो जिससे वो करोड़ों कमा रहे हैं, इसमें फूड्स, बेवरेजेस, क्लीनिंग एजेंट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदा मेडिसिन है, जो कि देश ही नहीं दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा उपयोगित अब माना जा सकता है। वहीं बात करें उनकी कमाई की, तो साल 2016 से लेकर साल 2017 में पतंजलि की टोटल रेवेन्यू अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि पतंजलि ने टोटल रेवेन्यू 1.6 बिलियन US डॉलर की है, यानी कि 10,561 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ के मुताबिक। वहीं आज टॉप कंपनीज में पतंजलि जिस तरह डील कर रहा है कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट्स के तौर पर, कौन नहीं जानता कि कैसे बाबा रामदेव ने इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठा की है। महीने में 50 लाख से ज़्यादा इनकम करने वाले और साल में 5 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई करने वाले बाबा रामदेव के इस पतंजलि ग्रुप के बारे में सब जानते हैं। वहीं आपको बता दें अपने योगा प्रैक्टिस के ज़रिए उन्होंने अच्छे अच्छे पेशेंट्स को भी बहुत मदद दिया, और फाइनेंशियली जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं रूरल एरिया में, उनके लिए उन्होंने अपनी किताब भी लिखी, प्राणायाम रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ प्राणायाम, साल 2009 में उन्होंने लिखा। योग इट्स फिलोसॉफी एंड प्रैक्टिस, साल 2006 में उन्होंने ये किताब लिखा। अर्षद दर्शन एंड मैनी मोर, साल 2005 में ये किताब लिखा। इन किताबों के ज़रिए बाबा रामदेव ने रूरल एरिया में अपने इलाज को पहुंचाना चाहा, और उसमें वो सफल भी रहे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दर्शकों, आप सभी ने देखा बाबा रामदेव की संपत्ति की कई ऐसी जानकारी है जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, वो हमने आप तक पहुंचाई। ऐसी तमाम खबरें हैं योग गुरु बाबा रामदेव की संपत्ति को लेकर, कितनी बड़ी संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की है। वैसे तो भले ही बाबा रामदेव के कई फंड भी हैं, बाबा रामदेव जो है पतंजलि के जरिए जितनी बड़ी कमाई करते हैं इससे भी कोई अंजान नहीं, लेकिन वाकई में बाबा रामदेव की संपत्ति के जो आंकड़े हैं वो कितने हैं, इसकी आधारिक पुष्टि पूरे रकम के हिसाब के साथ एक्यूरेटली अब तक नहीं आए हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ बाबा रामदेव की काफी ज्यादा अच्छी बत्ती है, और इसी कारण से वो क्रिटिसाइज भी किए जाते हैं कई बार। बाबा रामदेव की जिस तरह से पतंजलि विद्यापीठ की बात करें तो उसे भी काफी अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन बात यहाँ बाबा रामदेव की संपत्ति की नहीं, हम आपके बीच खास तौर पर आपके बीच करना चाहेंगे उनके बयानों के बारे में। तो आप कितना सहमत है कि आप हमें हमारे खास प्रोग्राम के स्पेशल रिपोर्ट के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल लेंगे यहीं पर इजाजत। बॉलीवुड और देश भर की, दुनिया भर की ऐसे ही तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए, हर लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, और फिलहाल मुझे यही दीजिए इजाजत।